जैसे हमारी मम्मी या पापा रसोई घर में दाल डब्बों में स्टोर करते हैं, इसी प्रकार कोशिकाओं के पास रसधानियां हैं ये काम करने के लिए। रसधानियां ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां हैं। यह जंतु कोशिका में छोटी होती है, यह पादप कोशिका में बहुत बड़ी होती है। कृपया इसे कॉपी में नोट कर लें। चलिए इसके कार्य के बारे में पढ़ते हैं। यह पादप कोशिका की संग्राहक थैलियां हैं और यह है स्फीति को बनाए रखती है। स्फीति का अर्थ है फूला हुआ, जिसे हम अंग्रेजी में टर्जिड कहते हैं, और इसका उल्टा है नॉन टर्जिड, जिसे आप देख सकते हैं यह फूला हुआ नहीं है। जैसे कि आपको यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, यह अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा प्रोटीन भी संग्रहित करते हैं। कृपया इसे अपनी कॉपी में लिख लें।